ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे, गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। ओके बेटे, लेट अस स्टार्ट विद पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश। ठीक है, तो हमारे पर्यायवाची हैं कहां से कहां तक, 16 से 30 तक। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले तो बेटे पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? एक ही चीज के डिफरेंट नाम। जैसे जैसे बच्चे, मैं राम को बुलाना चाहती हूँ, राम नाम, श्री राम का नाम है, इन्हीं को हम कमल नयन भी कहते हैं, इन्हीं को हम कृपा निधान भी कहते हैं, इन्हीं को हम राम को और किन नामों से पुकारते, पुरुषोत्तम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यानी ये जितने नामों से हम बुलाते हैं इसका मतलब राम ही है। ओके, जितने भी नामों से हम पुकारते हैं उन सबका मतलब राम ही है। ओके, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो शब्द है, नंबर 16 वर्ड है कृषक। अब कृषक का हमें बेसिक एक मतलब पता होना चाहिए। नोटबुक पे कुछ नहीं करना, मैंने कल भी बताया था, ये सारी चीजें हमें बुक पे ही करनी है, ठीक है, बुक से ही लर्न करनी है। अब कृषक का मतलब होता है किसान। किसान जो है वो खेती करता है, इसलिए उसे खेतीहर भी कहते हैं, किसान भी कहते हैं, कि हलिक भी कहते हैं, हल होता है ना उसके हाथ में, उसे हलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो आप तीन तीन शब्द इसके याद कर लेंगे। ओके, देन कोयल। अब कोयल मीठा गाती है, काले रंग की होती है, इसे हम जिन जिन नामों से पुकारते हैं, काले रंग की होने के कारण इसको हम श्यामा कहते हैं। श्याम मीन्स काला, श्याम हो गई, कालक हो गई, अंधेरा हो गया, इसे हम श्यामा कहते हैं। इसे हम कोयल से ही कोकिल कहते हैं, कोकिला, कोकिल कहते हैं। सरोजिनी नायडू को कोकिला का खिताब मिला था ना, क्योंकि वो बहुत मीठा गाती थी, कोकिल। पिक, को छोटी को, पिक, ठीक है। हमें तीन तीन लर्न करने हैं तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है गंगा। अब गंगा है देवताओं की नदी है गंगा, ठीक है। सुर मींस देवता, ठीक है, तो इसे हम सुरसरी कहते हैं, सुरसरी, सुरसरिता, दोनों नाम एक जैसे हैं, सुर से ही, सुरसरिता। देखिए दोनों नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, सुरसरी, सुरसरिता, सिर्फ त लगा, पीछे ता लगा, ठीक है। दोनों नाम एक जैसे हैं, दोनों शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऋषि भागीरथ ने लाए थे तो इसे भागीरथी भी कहा जाता है। अदरवाइज गंगा के बहुत से नाम हैं, जाह्नवी, वो मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाएंगे। गंगा के ये दो ऑप्शंस याद रखने बहुत आसान है, सेम वर्ड सुरसरी, सुरसरिता, ये आपको आराम से लर्न हो जाएंगे, ठीक है बच्चे, और भागीरथी। नेक्स्ट है गणेश। गणेश जी का तो आपको मालूम है, लंबोदर, गणपति, ठीक है, विनायक, एकदंत, दयावंत, कितने ही नाम है, एकदंत, दयावंत, चारभुजाधारी, है ना, कितने ही विनायक के नाम है, कितने ही गणपति के नाम है, आप कर सकते हैं। ओके, देन गुरु। गुरु एक तो आपका शिक्षक होता है, जैसे जैसे टीचर्स आपके गुरु हैं, गुरु मीन्स बड़ा भी होता है, ठीक है, और गुरु अध्यापक भी होता है। शिक्षक और अध्यापक वैसे सेम चीज है, शिक्षक और अध्यापक, वन इज द सेम थिंग, लेकिन उसने दोनों लिखवा दिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे। आगे है घमंड। घमंड अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड, अभिमान। ओके, नेक्स्ट है घर। घर का होता है सदन निकेतन, नारी निकेतन आपने सुना होगा, है ना, सभा, सदन, सदन ग्रह, निकेतन। ओके, नेक्स्ट है चांद, चंद्रमा, इंदु, शशांक, राकेश, शशि। ओके, जल, नीर, वारी,
पानी, नीर, वारी, पानी, तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल, सर सरोवर ताल, ठीक है, जलाशय बीच में से रहने दो, सर सरोवर ताल, ओके। नेक्स्ट है दिन, वार, वासर, दिवस, वार, वासर, दिवस, अहन, 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 दूध, दुग्ध, पय, क्षीर, खीर खाते हो ना आप, खीर, खीर खाते हो, खीर की जगह के जगह पे यहाँ पे क्ष लगा देना है, क्षीर, ठीक है। दुग्ध, दुग्ध तो संस्कृत का वर्ड है ना, दूध को दुग्ध कहते हैं, हमने दुग्ध को मुश्किल लगा, हमने उसे दूध बना दिया। इसे पिया जाता है पे, पिया जाता है इसलिए पे, ओके। नेक्स्ट है नदी, नदी तो यहां से ही लीजिए, सरिता मीन्स नदी होता है, देवताओं की सरिता, सरिता नदी होता है, ठीक है, सरिता और सरी ये दोनों नदी के हैं, ओके। और एक सलीला कहते हैं, सलिल, सलिल होता है किनारा, जिसके किनारे हो, सलीला, सलिल होता है किनारा, इसलिए नदी को सलीला कहा जाता है, ओके। देन है पत्थर, प्रस्तर, पाहन और शिला, ठीक है, प्रस्तर, पाहन और शिला, ये थोड़ा सा वर्ड मुश्किल है, लर्न करना पड़ेगा, शिला, ओके। देन पत्नी, अर्धांगिनी, आधा अंग, अर्धांगिनी, थोड़ा सा मुश्किल है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, अ रधा गिनी, अर्धांगिनी, ओके, अर्धांगिनी, दारा वधु, ठीक है बेटे, अर्धांगिनी, दारा वधु, भार्या, भार्या, भया, भाया नहीं, भार्या, ओके। अब विलोम पे चलते हैं हम, विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द मीन्स विपरीत शब्द, विलोम शब्द का अर्थ है विलोम शब्द का अर्थ है बेटा विपरीत शब्द, ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड। ये कहां से कहां तक है हमारे, 21 to 40 है सिलेबस में विलोम शब्द, कन्फर्म इट फ्रॉम सिलेबस, आई थिंक 21 to 40, ही है, कन्फर्म इट, हाँ जी बेटे 21 to 40 ही हैं, तो इसे बाहर ही रखो। 21st है उर्वर, उर्वर होता है बेटा उपजाऊ, उर्वर का ऊसर, उर्वरा, ऊसर, उर्वरा, ऊसर, ठीक है, उर्वरा का ऊसर, उर्वरा होता है उपजाऊ, ऊसर होता है बंजर, बंजर धरती जिसमें पेड़ पौधे नहीं उग सकते, पथरीली जमीन, ओके, ये लर्न करने वाला ही है। उष्ण, शीत, उष्ण होता है गर्म और शीत होता है ठंडा, कहते हैं ना आजकल बहुत उष्ण लहर चल रही है, बहुत गर्म लहर चल रही है, शीत लहर चलेगी जाकर जनवरी में, है ना, दिसंबर जनवरी में, ओके। ऐच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अन और ऐच्छिक का मिलके बन गया अनैच्छिक, अन और ऐच्छिक, देखिए वर्ड है अन और ऐच्छिक, क्या होगा, इसी न को, इसी न को ये वाली ए की मात्रा लग जाएगी, बस, बाकी सारा वर्ड सेम है,
इसी न को वो वाली ए की मात्रा लग जाएगी, वर्ड ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस इज वर्ड इज अनैच्छिक, ओके। ऐच्छिक होता है ऑप्शनल, अनैच्छिक जो ऑप्शनल ना हो, कंपलसरी हो, अनैच्छिक, ओके। कायर वीर, वो बहुत कायर है, वो वीर है। क्रय विक्रय, क्रय होता है खरीदना, विक्रय होता है बेचना, क्रय विक्रय, ठीक है। खाद्य अखाद्य, खाद्य होता है जो खाने योग्य हो, खाद्य। इसके आगे सिर्फ अ लग जाना है और इसका आंसर बन जाना है अखाद्य, ठीक है, खाद्य अखाद्य। गत आगत, गत होता है गत मास मैंने इंजेक्शन लगवाया था पिछले महीने, आगत मैं फिर दोबारा लगवाऊंगा, गत आगत आने वाला महीना, गत पिछला आगत आने वाला महीना, ओके। गरीब अमीर पता ही है ये तो, हाँ। देन ग्रामीण शहरी, ग्रामीण मतलब पिंड च रहने वाला, ग्राम में रहने वाला, ग्राम होता है गांव, ग्रामीण ग्राम में रहने वाला, शहरी। ठीक है, शहरी। नेक्स्ट है गुण अवगुण, दोष भी हो सकता है इसका, गुण का दोष भी हो सकता है। चंचल गंभीर, चंचल होता है शरारत करने वाला, चंचल है, बहुत चंचल है वो, बहुत शरारते करता है, चंचल है, टिक ही नहीं सकता वो, इतना चंचल है, ठीक है। और गंभीर होता है जो शांत रहता है, बिल्कुल, ओके, गंभीर, हाँ, आप जैसा शांत, वो मैं देख रही हूँ आप कितने शांत हैं। चल अचल, चल चल अचल, चल मींस जो चल फिर सकता है, अचल मींस जो चल नहीं सकता। आपको पता है हमारी धरती को अचला कहा जाता है, अचला, जबकि धरती चलती है, घूमती है, फिर भी हम धरती को अचला कहते हैं, हमें तो ये नहीं ना लगता घूम रही है, अर्थ घूम रही है, रोटेट हो रही है, पर हम उल्टे पुल्टे नहीं होते, है ना। अचला धरती को कहा जाता है, चल अचल। अतिवृष्टि, बहुत बारिश होना, अनावृष्टि, अति का अना हो जाना, बाकी वर्ड सेम रहना है, ठीक है। अतिवृष्टि, देखो अति मीन्स बहुत ज्यादा, वृष्टि मीन्स बारिश, अतिवृष्टि, सिर्फ ये वाला वर्ड चेंज होना है, बन जाना है अनावृष्टि, बिल्कुल बारिश ना होनी, अतिवृष्टि बहुत बारिश होनी, अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं होनी, जैसे आजकल तो ऐसा लग रहा है बारिश के मौसम में भी, हाँ अनावृष्टि है, बारिश बार बादल बन गए, अगर भगवान कृपा करेंगे तो शायद आज बारिश हो जाए, ठीक है, और हम तो चाहेंगे अतिवृष्टि हो बारिश की। चिंतित निश्चिंत, चिंतित निश्चिंत, बहुत चिंतित रहते हैं आप, निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। जड़ चेतन, जड़ होता है जो हिलता नहीं, जड़, तभी तो हम पेड़ की जड़ को मानते हैं, जड़, जड़ मीन्स विच कांट मूव, जड़ है। चेतन मीन्स जिसमें जान है, जो चल फिर सकता है, ओके। जय पराजय या अजय, अजय वैसे अजय भी होता है, पराजय होता है वैसे, ओके। तरल ठोस, तरल होता है लिक्विड बेटे, लिक्विड, तरल, लिक्विड जो बह जाता है, ठोस होता है सॉलिड, ओके। ये बुक जो है ये ठोस है, तरल पानी की तरह जो बह जाता है, ओके। देन है दिवस, दिवस मीन्स दिन, दिन का रात होता है, दिवस का रात्रि होगा, देखो जैसे दिन का हम अगर दिन लिखें तो उसका होगा रात, अगर दिवस लिखें तो होगा रात्रि, ओके। उर्दू वर्ड, सॉरी संस्कृत वर्ड हो गया दिवस, तो संस्कृत का ही रात्रि लिखा जाएगा। एंड लास्ट इज देश परदेश, देव दानव, देव देवता का दानव, देख के बोला कर, वैसे भी अगर देख के भी ना बोलो ना बेटा, तो थोड़ा समझ के बोला करो, देश का परदेश होगा, मेरे देश की धरती, ठीक है। देश होता है वैसे, देश वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है देश, परदेश, ठीक है, पर देश है तो परदेश, और देव है तो दानव, ठीक है, देव है तो दानव, ओके।
दीज वर विलोम शब्द मूविंग टू वाक्यांश. आज थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका पता है नेक्स्ट पीरियड से रिवीजन स्टार्ट हो जानी है अगले हफ्ते से, है ना, तो थोड़ा सा फास्ट कर लें. ये है 21 से लेके 40 तक. ओके छोटा भाई अनुज अग्रज बड़ा भाई अग्गे अग्गे रहने वाला अग्रे अग्गे अग्रज अनुज मेरा देखो अग्र और अनु वर्ड देखो ध्यान से अग्रज अनुज मैं बताती हूँ दोनों में फर्क. अनु मीन्स आप मेरे अनुकरण कीजिए अनुसरण कीजिए मेरे पीछे पीछे आइए तो पीछे चलने वाला हमेशा छोटा होता है आगे चलने वाला अग्र से आगे आगे चलने वाला बड़ा अग्रज अनुज याद रखना ठीक है. ओके वर्ड है छोटा भाई अनुज जिसमें धैर्य ना हो अधीर मतलब बीच में से ही वर्ड होता है उसी को पकड़ना होता है धैर्य को अधीर ठीक है. जिसका कोई शत्रु ना हो शत्रु पकड़ लिया अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है अजात शत्रु. ओके अजात शत्रु अगमजोत कुछ पूछना है बेटा अगमजोत अगमजोत do you want to ask something मैम आपके साइड वाला बोर्ड नहीं दिख रहा वहां पे लिखा हुआ है मैम वो नहीं दिख रहा आपका बोर्ड भी क्लियर नहीं है. एक शहरी शब्द है मैंने देख लिया कि र को ई की मात्रा नहीं दिख रही बट यू वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू. हाँ मुझे भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि शहरी में र को ई की मात्रा नहीं नजर आ रही सिर्फ आपको आप इसके लिए क्लास डिस्टर्ब करेंगे. ओके म्यूट योरसेल्फ बेटा इतनी सी बात के लिए वो मुझे नजर आ रहा था सामने मेरे स्क्रीन है आई कैन सी इट कि वो सामने आपको शहरी नजर नहीं आ रहा इवन दैट आई इग्नोर क्योंकि इसकी खास जरूरत नहीं थी. बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू साथ पढ़ने वाला सह साथ सह पाठी ठीक है साथ रहने वाला सहचर होता है दोस्त को हम सहचर कहते हैं जो हमारे साथ साथ चलता फिरता है चरता है सहचर. हाँ जो हमारे साथ पढ़ता है उसे सहपाठी. ओके वैसे पत्नी को भी सहचरी कहा जाता है जो हमारे साथ साथ चलती है सहचरी पत्नी को भी कहा जाता है. जिसका मूल्य ना आंका जा सके मूल्य से ले लिया अमूल्य. जो छोड़ा ना जा सके जिसे छोड़ नहीं सकते आप जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य. ये ऐच्छिक का ऑपोजिट वर्ड है अनैच्छिक किया था ना आपने ऐच्छिक का अनिवार्य भी हो सकता है. ऐच्छिक का ऑपोजिट वर्ड अनिवार्य भी हो सकता है. अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी ऐच्छिक मीन्स ऑप्शनल. आपके कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं कुछ कंपल्सरी होते हैं अनिवार्य ऐच्छिक. ओके अनिवार्य आगे है जंगल में अपने आप लगी आग दावानल ये तो जरूर पता होना चाहिए है ना दावानल अनल से बना है दावानल आग अनल अनल दाव अपने आप दावानल 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 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको आना भी चाहिए. ओके जिसके आने की कोई तिथि ना हो ये तो तिथि के आगे अ लगा लो पता ही नहीं कदों आने थे कदों जाना है मेहमान ने मेहमान के ना आने का पता होता है ना जाने का पता होता है ना अतिथि जो ना डेट देख के आता है और ना ही डेट देख के जाता है अतिथि. ओके नेक्स्ट है आलोचना करने वाला आलोचना से ही आलोचक. ओके आगे है आशा करने वाला आशावादी जो पढ़ा जा सके पठनीय पठन पठन से बना पठनीय पठनीय पठन पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य ये थोड़ा सा मुश्किल है पाश्चात्य पा पाश्चात्य पश्चिमी से पाश्चात्य ये दो चार वर्ड हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे जो अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा लर्निंग काम आएगी जहां पे ठीक है. पाश्चात्य सौ का समूह शतक दस का समूह दशक दस का समूह दशक सौ का समूह शतक ठीक है.
दो शतक, शतक तो आपको पता ही है, सेंचुरी, शतक लगाया हिंदी में आप अपनी कमेंट्री सुनते हैं उसकी क्रिकेट की, तो उसका शतक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सेंचुरी पूरी, हाँ ठीक है, शतक 100। दो भाषाएं जानने वाला, दुभाषिया, दुभाषिया, आप तो तीन तीन भाषियां है ना, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं, आप तो त्रिभाषी हैं, हाँ ये दुभाषिया, दुभाषिया जो देखने योग्य हो, देखने, दर्शन, दर्शन से दर्शनीय, दर्शनीय, रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सा से बना चिकित्सक, देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी या विदेशी, विदेशी भी हो सकता है, प्र, पर पराय देश में रहने वाला, प्र, प्रवासी, पराय देश में रहने वाला, प्रवासी, नगर में निवास करने वाला, नागरिक, यानी ग्रामीण का जो शहरी लिखा है ना, ग्रामीण का यहाँ पे नागरिक भी हो सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट है जो याद रखने योग्य हो। अब याद, याद को संस्कृत में कहते हैं स्मरण, स्मरण, याद रखने योग्य हो, ईय, स्मरणीय, स्मरण, स्मरण, मैंने आपको बहुत स्मरण किया, सिमरन कहते हैं ना, सिमरन करो, सिमरन करो, पूजा पाठ करो, स्मरण से बना है सिमरन, ठीक है। देन दूर की देखने वा सोचने वाला, दूर की देखने वा सोचने वाला, दूरदर्शी, दूर की देखने वा सोचने वाला, दूरदर्शी, दूर के दर्शन करने वाला, दूरदर्शी। अभी 30 थे, अभी 29 हो गए, एक बच्चा कौन चला गया अभी इसमें से, अगमजोत गया होगा, नहीं अगमजोत देखिए है, गौरीश देखना अगमजोत है, है अगमजोत है, ओए हाँ हो सकता है किसी का नेट खराब हो गया, ओके तो हमने ये तीनों चीजें कर ली बेटा, जो मैम ने लिखी थी अंजनीत मैम ने आके आपकी क्लास में, कि हमें पर्यायवाची करने हैं, विलोम करने हैं, वाक्यांश करने हैं। वाक्यांश होता है वाक्य का अंश, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत बड़ा सेंटेंस उसके लिए एक शब्द। विद दिस नियर अबाउट आर सिलेबस इज कंप्लीटेड। क्रिया की नहीं हमने, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, क्या बात करते हो आप बच्चे, ठीक है बच्चे। तो विद दिस लकोक्तियां मुहावरे हमने कल कर लिए थे, विलोम पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। यस बेटा द होल सिलेबस इज कवर्ड नाउ, ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट है कल से, कल से सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट है बच्चे, हाँ, और आपके जल्दी ही पेपर शुरू होने वाले हैं, तो गेट योर नोटबुक्स चेक्ड इन टाइम, अपनी कॉपियां भेज के। मैम प्लीज मेक अस रिवाइज अनुच्छेद, ओके 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 ओके, अनुच्छेद अभी करना चाहेंगे आप अनुच्छेद, तो हमारा देखिए सिलेबस में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अदरवाइज वी कैन कवर अनुच्छेद इन रिवीजन। बेटा रिवीजन के लिए अभी पूरा महीना है हमारे पास, तो उसमें अनुच्छेद हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अनुच्छेद अभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार हो जाएंगे, दिखाइए जरा, लेट मी सी, अनुच्छेद है, हाँ बेटे, दूरदर्शन और दूरभाषा का महत्व, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, होली का त्योहार, अनुच्छेद हो जाएंगे बेटा, वी विल। ये किसको लिख रहे हैं आप अगमजोत, व्हाट आर यू डूइंग बच्चे, टू हुम यू आर राइटिंग अगमजोत, अगम आप तंग करते हैं बच्चे, आई विल रिमूव यू। मैम माधव और आदित्य आर नॉट इन द क्लास, अच्छा माधव और आदित्य क्लास में नहीं है, तो हाँ चले गए बेटा, 28 बच्चे रह गए, दो बच्चे लीव कर गए, कोई बात नहीं बच्चे। ये अगमजोत क्या कहना चाहता है, अगमजोत क्या लिख रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, किसको कह रहे हैं अगमजोत, किसने, चलिए रेस्ट इज ओके बेटे, टाइम इज अप, हाँ ऑल द बेस्ट।
रिवाइज योर सिलेबस प्रॉपरली बच्चे. ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो.